दोस्तों आज मैं आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं जो मैंने 2017 के स्टार्ट में जो एक इंडियन रिंगनेट पैराकीट की फीमेल पकड़ी थी। दोस्तों मैंने उसका जोड़ा अपने यंग मेल्स के साथ डालने की कोशिश की थी और मैंने उसके साथ छोड़ दिया था, लेकिन उसने अल्हम्दुलिल्लाह एक मेल से जोड़ खा लिया था जो मैंने अभी उसको तकरीबन लास्ट 4 मंथ से मैंने अलहदा किया हुआ था उस पेयर को। और माशाल्लाह से मैंने आप सभी दोस्तों को अपनी पिछली वीडियो में बतलाया था कि वो मेरा पेयर मेटिंग के लिए जा रहा है, ठीक है। अभी मेरा वो मेल बहुत यंग बिल्कुल फ्रेश नर है, ठीक है, वो मेटिंग के लिए जा रहा है और इंशाल्लाह देखते हैं कि इसी वीक के अंदर वो इगले कर देगा। और आज मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ एक बार फिर से कि फीमेल की क्या निशानी होगी कि वो आया इगले करने वाली है या नहीं, ठीक है, और अपना वो कितना टाइम लेगी मज़ीद और एक देने में। चले हैं दोस्तों इस वीडियो में आप सभी दोस्तों को मैं बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें ताकि आप जान सकें कि किस एज के अंदर कौन सा मेल मेटिंग कर सकता है और आपकी फीमेल कब तक इगले कर सकती है। चले हैं दोस्तों शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ करूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखें। दोस्तों जैसे मैंने आप सभी दोस्तों से बात की थी अपनी लास्ट वीडियो में ब्रीडिंग वाली कि मेरे तमाम पैराकीट माशाल्लाह से मैटिंग कर चुके हैं, ठीक है, और ये अभी जो हाल ही में मैंने जो अपना न्यू पेयर लगाया था, ठीक है, बिल्कुल यंग अडल्ट पेयर है, ठीक है, जबकि मेरे इस मेल की अभी तक कंटी नहीं आई है, ठीक है, रिंग नहीं आया कॉलर पे, लेकिन मैंने आप सभी दोस्तों को कहा था कि 24 to 27 मंथ में रिंगनेक का बेबी जो 27 to 24 मंथ का हो जाता है तो वो इतना अडल्ट हो चुका होता है दोस्तों, वो मैटिंग कर सकता है, ठीक है। तो चलाएं दोस्तों मैं आज आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी उम्मीद की किरण नज़र आए कि अगर आपका बेबी अडल्ट है बिल्कुल अभी उसका रिंग नहीं आया है लेकिन वो मस्तार है तो यकीनन वो ब्रीड करेगा। चलाएं दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों मैंने जैसे आप सभी दोस्तों को बताया कि जब आपका पेयर एगले करने का टाइम आएगा तो फीमेल की बीट तकरीबन 1 वीक पहले ही बीट बड़ी हो जाएगी और एक देने के बाद भी उसकी बीट का जो साइज़ है वो तकरीबन 1 वीक तक बड़ा ही रहेगा, ठीक है। साथ ही में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप किस तरीके से जान सकते हो कि आया आपका पेयर एगले करने वाला है, ठीक है, उसी के लिए मैं आप सभी दोस्तों को एक बार फिर अपनी इस वीडियो में गाइड करता चलता हूँ, ठीक है। आप मेरी इस फीमेल को देख सकते हो, ठीक है, ये बिल्कुल रेडी है, ठीक है, एक ले करने के लिए, ठीक है। मैं अगर दिखा सकूं, अगर मेरी फीमेल थोड़ा नॉर्मल बिहेव रखे तो आप देखें इसके नीचे, आप देख सकते हो फीमेल की टेल के नीचे हिस्सा देखें आप, ठीक है, कितना मोटा हो रहा है, ठीक है। ये आपकी फीमेल के एक ले करने का सबसे बेहतरीन अंदाज़ा है कि अगर आप ऐसा देखते हैं आप मेटिंग कर जाने के बाद आपके पेयर के, तो आप जान सकते हो कि आया आपकी फीमेल इगले करने वाली है या इगले करने में टाइम है या इगले कर चुकी है। चलाएं दोस्तों पहले मैं इसकी हांडी झांकता हूँ कि आया क्या रिजल्ट है अब तक, क्या अभी इसने इगले किया या नहीं। चलाएं दोस्तों देखते हैं। दोस्तों मुझे माशाल्लाह से अभी एक नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन इस एग का साइज़ बहुत छोटा दिख रहा है मुझे, लेकिन मैं इस एग को नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ये इस फीमेल का फर्स्ट, आप देख सकते हो ये मेरा बिल्कुल फ्रेश पीस पेयर है, ठीक है, रिंगनेक पैराकीट का, और जहाँ तक ये फीमेल की एज होगी तकरीबन 25 मंथ जबकि मेल जो है माशाल्लाह से पूरा 24 मंथ का हो चुका है, ठीक है, 2 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं और अभी आप देख सकते हो कि इस मेल की कंटी भी नहीं आई है, ठीक है। अगर मेरा मेल रुके एक साइड, ठीक है, आप देखोगे कि इसकी अभी तक कंटी भी नहीं आई है, बस हल्का सा मुझे लाइट शेडो आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक कि ना ब्लैक रिंग है ना रेड रिंग है, बिल्कुल ही यंग है, लेकिन माशाल्लाह से ये मैटिंग कर रहा है और इसने फीमेल से एक ले लिया है, लेकिन अभी आप देख रहे हो, ठीक है, माशाल्लाह से मेरी फीमेल सेकेंड एक ले करने वाली है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अभी इसे तंग नहीं करूँ ताकि ये हांडी के अंदर सेफली एक ले कर सके। दोस्तों मैं अपने केस से इसलिए बाहर आ चुका हूँ क्योंकि मेरी फीमेल जो है उसका
वो लास्ट मोमेंट मुझे लग रहा है कि वो अंडा ले करने वाली है, ठीक है। तो इस वजह से मैं अपने केज से बाहर आ चुका हूँ ताकि वो सेफली एक अपनी हांडी में दे सके, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है जब मैंने फिंचीस, वाइट चिक, ब्लैक चिक और अपना ऑस्ट्रेलियन के काफ़ी सारे पेयर्स, मैंने पहले ब्रीडिंग सेटअप मेरा बहुत बड़ा था तो अक्सर जब मैं घुसता था केजिस के अंदर दाखिल होता था तो अक्सर मुझे ये शिकायत देखने में आती थी कि फ़ीमेल अचानक बाहर आ जाती और फिर उसका जो एग टाइमिंग होता था दोस्तों वो रॉड के ऊपर बैठे बैठे एक दे देती और वो अंडा ज़ाया हो जाता। तो दोस्तों इस बाइस क्योंकि मैं अब इतना एक्सपीरियंस हासिल कर चुका हूँ तो मैं इसलिए बाहर आ चुका हूँ ताकि मेरी फ़ीमेल बआसानी अंडा ले करे अपनी हांडी में। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरी ये फ़ीमेल उम्मीद से है और ये मेटिंग कर रहे हैं मेरे पेयर, तो इंशाल्लाह ये इसी वीक के अंदर ब्रीड कर जाएंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको अपनी हांडी, अपना केज दिखाया और अपना पेयर भी दिखाया कि ये अभी यंग है, बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन उसके बावजूद मेरे मेल ने मेटिंग की और मेटिंग के बाद माशाल्लाह मेरी फ़ीमेल ने एक ले भी किया। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मज़ीद एक ले करेगी और इसकी आने वाली प्रोग्रेस यानी कि हैचिंग के बाद इसके चिक्स निकल आएंगे, तो मैं आपके साथ वो वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आप सभी दोस्तों को भी हौसला मिले कि आपके जो परचेज़ किए हुए अडल्ट मेल हैं या फीमेल हैं वो भी ब्रीड कर जाते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी नए टॉपिक के साथ, ताकि आप सभी दोस्तों को रिंगनेक पैराकीट के हवाले से मैं हर जुड़ी छोटी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए दे सकूं ताकि आप भी इस शौक में आगे से आगे बढ़ सकें। तो फिर मिलते हैं हम, अल्लाह निगेबान।